जय गुरुदेव। सभी गुरु भाई बहनों को बहुत बहुत जय गुरुदेव। आप सभी गुरु भाइयों का हमारे गुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग की परम पावन स्थली अध्यात्म विज्ञान सत्संग केंद्र जोधपुर के सानिध्य में निरंतर चल रहे हमारे गुरुदेव के सिद्ध योग के इस मेडिटेशन एंड एक्सपीरियंसेस के आज के इस एपिसोड में आप लोग सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जय गुरुदेव। ये हमारा जो गुरुदेव का सिद्ध योग का प्रोग्राम है, जो सत्संग है, ये डेली मंडे टू संडे चलता है, इवनिंग में और मॉर्निंग में। मॉर्निंग में 5 बजे से लेकर 5:15 तक हम अपने गुरुदेव के श्रीमुख से उनकी वाणी को सुनते हैं और 5:15 से 5:30 बजे तक हम गुरुदेव का ध्यान करते हैं। इसी तरह हम शाम को 7 बजे से गुरुदेव की दिव्य वाणी को सुनते हैं और 7:20 से हम 7:25 तक जो है मंत्र जाप करते हैं। 7:25 से 7:30 से फिर हम जो है 7:45 तक यानी 7:45 तक जो है हम अपने गुरुदेव का ध्यान करते हैं। उसके बाद हम अपने गुरुदेव की दिव्य लेखनी का आनंद उठाते हैं। तत्पश्चात हमारा ये सत्संग स्टार्ट होता है। ये हमारा डेली का रूटीन का सेशन चलता है, जिसमें हम सभी गुरु भाई बहन और जो नए नए जुड़ रहे हैं सभी लोग बहुत आनंद उठाते हैं, क्योंकि ये विदा ही बड़ी आनंददायक है हमारी गुरुदेव की। और इतनी अद्भुत कृपा है इस विधा के अंदर जो है, वो जो इससे जुड़ता है वही बता सकता है कि कितनी अद्भुत और चमत्कारिक विधा है ये। और बड़ी छोटी और बड़ी आसान सी साधना है इस कलयुग में जो गुरुदेव ने हमें दी है। इसमें हमें कुछ नहीं करना है। गुरुदेव ने कहा आपको बदलने की जरूरत नहीं है, आपके अंदर ऑटोमेटिक परिवर्तन होगा इस साधना को करते हुए। आप जैसे रहते आए थे अभी तक वैसे ही आपको रहना है। बस इसमें छोटी सी इस साधना को और ऐड कर लीजिए, जिसमें कि हमें 2 टाइम का सुबह और शाम ध्यान करना होता है 15-15 मिनट के लिए। और हमको सबसे पहले अपने गुरुदेव के श्री मुख से मंत्र को सुनना होता है, जिससे कि हम दीक्षित हो जाते हैं। फिर उसी मंत्र को हमें ध्यान के समय मानसिक जप करते हुए हमें ध्यान में बैठना होता है 2 टाइम। और फिर उसी मंत्र को हमें 24 घंटे के लिए मानसिक जप यानी कि मेंटल चैंटिंग करते रहना होता है। आप कहीं भी रहे बस इस मंत्र को सोचते रहिए। इसीलिए इसमें आपको कुछ भी छोड़ना नहीं है, पकड़ना नहीं है। जो कुछ आप अपने डेली रूटीन में अभी तक करते आए थे सब करते रहिए। बाहर की जो भी पूजा गुरुदेव ने कहा भी, आपको कुछ भी छोड़ना नहीं, ना पूजा ना जो आप करते आए हैं अभी तक, पूजा पाठ जो भी आप कर रहे हैं सब करते रहिए, बस इस साधना को और ऐड कर लीजिए। तो बहुत ही अद्भुत और बड़ी अच्छी साधना है। तो सभी गुरु भाई बहन और नए लोग इससे जुड़े, हमारे गुरुदेव की शरण में आए और उनकी कृपा को प्राप्त करें। तो चलिए हम अपने गुरुदेव के श्री चरणों में इस सेशन को, आज के इस सेशन को रखते हुए उनका आशीर्वाद लेते हुए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। जय गुरुदेव। सबसे पहले हम लेखनी का आनंद उठाएंगे, जो कि हमारे गुरु भाई विनोद पुरोहित जी पढ़ते हैं। तो विनोद जी, गुरु भाई, आपका मंच पे स्वागत है। आप लेखनी स्टार्ट करें। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव गुरु भाई जी। मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ जी। स्क्रीन शेयर हो गई गुरु भाई जी। गुरु बहन, मैं शुरू करता हूँ जी। जय गुरुदेव। जय दादा गुरुदेव। जय गुरुदेव सभी को। पूज्य गुरुदेव द्वारा लिखित पुस्तक बाइबल की भविष्यवाणियां, उसके जिस चैप्टर को आज हम पढ़ना शुरू कर रहे हैं उसका शीर्षक है शब्द से सर्वभूतों की उत्पत्ति। संसार के प्राय सभी धर्म इस सिद्धांत को स्वीकार करते हैं कि शब्द से ही सर्वभूतों की उत्पत्ति हुई है। हमारे वेद इस संबंध में स्पष्ट कहते हैं, आओ उस ज्योति में पहुंचे जो स्वर लोक की है, उस ज्योति में जिसे कोई खंड खंड नहीं कर सकता। उस दिव्य प्रकाशन प्रद शब्द के बारे में वैदिक ऋषि कहते हैं, उन्होंने उषा का आह्वान किया है कि वह हम पर उस प्रकार चमके जिस प्रकार वह सप्तमुखी अंगिरस पर 9 रश्मियों और 10 रश्मियों वाले ऋषियों की एकात्मकता पर चमकी थी, जिन्होंने आत्मा के चरम विचार के द्वारा उस दिव्य प्रकाश प्रद शब्द के द्वारा
उन दुर्गबद्ध बाणों यानी अंधकार के बाणों को तोड़कर खोल डाला था, जिसमें पणियों ने, रात्रि के कृपण स्वामियों और व्यापारियों ने सूर्य के तेजस्वी गोयूथों को बंद कर रखा था। ऋग्वेद। वैदिक ऋषियों ने प्रतीकात्मक भाषा में समझाया है, जिस सूर्य की बात कही गई है वह भौतिक सूर्य नहीं है, बल्कि जिसका वर्णन गायत्री मंत्र में सविता देव के नाम से किया गया है, वह दिव्य प्रकाश है जो हमारे अंदर अज्ञान रूपी अंधकार को नष्ट करता है। वैदिक ज्ञान की पूर्ण प्राप्ति उस शब्दप्रद शब्द के द्वारा अपने अंदर का अंधकार दूर करके ही की जा सकती है। इस संबंध में हमारे सभी संतों ने बहुत ही सरल भाषा में समझाया है। संत कबीरदास जी महाराज ने कहा है, साधो शब्द साधन कीजे, जेहि शब्द से प्रकट भये सब, सोई शब्द गही लीजे, शब्द ही गुरु शब्द ही सुनी शिष्य भे, शब्द सो बिरला बूझे, सोई शिष्य सोई गुरु महात्म, जेहि अंतर्गति सूझे, शब्द ही वेद पुराण कहत है, शब्दे सब ठहरावे, शब्द ही सुर मुनि संत कहत है, शब्द भेद नहीं पावे, शब्द ही सुर मुनि भेष धरत है, शब्द कहे अनुरागी षट दर्शन, सब शब्द कहत है, शब्द कहे वैरागी, शब्द ही माया जग उत्पानी, शब्द ही कैरी पसारा, कहे कबीर जह शब्द होत है, तवन भेद है न्यारा। बेल्वेडियर प्रेस में छपी शब्दावली, शब्द दो पृष्ठ चार। इस संबंध में भगवान श्री कृष्ण ने गीता के 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में स्पष्ट कहा है, ओम तत्सत ऐसे तीन प्रकार का सच्चिदानंद घन ब्रह्म का नाम कहा है, उसी से सृष्टि के आदि काल में ब्राह्मण और वेद तथा यज्ञादिक रचे गए हैं। इस संबंध में प्रश्न उपनिषद अर्थवेद का के प्रश्न 6 में कहा है, क्योंकि ओम ही ब्रह्म अर्थात परम पुरुष का सबसे अधिक समीपवर्ती आलंबन है, अतः इसके जप से ही पर ब्रह्म को प्राप्त हो सकता है। गीता प्रेस गोरखपुर के भावार्थ अनुसार, उस पुरुष ने प्राण को रचा, फिर प्राण से श्रद्धा, आकाश, वायु, तेज, जल, पृथ्वी, इंद्रिय, मन और अन्न को, तथा अन्न से वीर्य, तप, मंत्र, कर्म और लोकों को एवं लोकों में नाम को उत्पन्न किया। उस परम पुरुष के घर का वर्णन करते हुए संत कबीर दास जी ने सैन इशारे से समझाते हुए कहा है, सखिया वा घर सबसे न्यार, जह पूरन पुरुष हमारा, जह नहीं सुख दुख सांच झूठ नहीं, पाप न पुण्य पसारा, नहीं दिन रैन चंद नहीं सूरज, बिना ज्योति उजियारा, नहीं तह ज्ञान ध्यान नहीं तप जप, वेद कितेब न बानी, करनी धरनी रहनी गहनी, ये सब जहां हिरानी, धर नहीं अधर न बाहर भीतर, पिंड ब्रह्मांड कछु नाही, पांच तत्व गुण तीन नहीं तह, साखी शब्द न ताही, मूल न फूल बेली नहीं बीजा, बिना वृक्ष फल सोहे, ओम सोहम अर्ध उर्ध नहीं, स्वासा लेख न कोहे, नहीं निर्गुण नहीं सरगुण भाई, नहीं सूक्ष्म स्थूलम, नहीं अक्षर नहीं अविगत भाई, ये सब जग के मूलम, जहां पुरुष तहवा कछु नाही, कहे कबीर हम जान,
हमरी सैन लखे जो कोई पावे पद निर्वाणा। बेलवेडिया प्रेस में छपी शब्दावली भाग 3 शब्द 1 पृष्ठ 2। भगवान श्री कृष्ण 16 कला युक्त पूर्ण अवतार हैं। प्रश्न उपनिषद में उस परम पुरुष द्वारा लोकों में जिस 16वें तत्व नाम को रचने की बात कही गई है, उसी नाम के सहारे बाकी सभी तत्वों का भेदन करते हुए जीवात्मा का परमात्मा अर्थात परम पुरुष को प्राप्त होना ही मोक्ष है। शब्द ब्रह्म से परब्रह्म को प्राप्त होने के उपरोक्त सिद्धांत को ही हमारे सभी संतों ने एकमात्र सच्चा पथ माना है। इस संबंध में कबीरदास जी ने कहा है, छर अक्षर नि अक्षर बूझे सूझी गुरु परिचावे, छर परिहरि अक्षर लौ लावे तब निहि अक्षर पावे, अक्षर गहे विवेक करी पावे तेहि से भिन्न, कहे कबीर नि अक्षर ही लहे पारखी चिन्ह। बेलवेडियर प्रेस में छपी शब्दावली भाग 4 शब्द 3 पृष्ठ 3। संत सदगुरु द्वारा प्राप्त शब्द के द्वारा ही साधक उस परम पद को प्राप्त कर सकता है। इस संबंध में उस परम पद पर पहुंचने की विधि बताते हुए रास्ते में जो आनंद प्राप्त होगा उसका अति सुंदर ढंग से वर्णन करते हुए बहुत ही सरल साधारण भाषा में कहा है। यह लेख काफी बड़ा है, तो इसका शेष भाग हम कल पढ़ेंगे। आज यहीं तक। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव सभी को। जय गुरुदेव। चलिए गुरु बहन, आवाज आ रही है लेकिन आज लीड नहीं है मेरे पास, इसलिए नहीं जुड़ पाऊंगा गुरु बहन। अच्छा, सभी गुरु भाई बहनों को जय गुरुदेव। चलिए गुरु भाई, कैसी साधना चल रही है आपकी गुरु भाई? गुरु बहन बहुत ठीक चल रही है गुरुदेव की कृपा से। अच्छा 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 जी गुरु बहन। कोई अनुभूति जी भाई साहब, लीड से क्या समस्या होगी? क्या माया मतलब माइक वगैरह कैमरा वगैरह ऑन करने में दिक्कत आएगी क्या? आप बिना कैमरा ऑन करे शेयर कर सकते हैं गुरु भाई? कहीं ऐसा नहीं हो जो रिकॉर्डिंग में डबल आवाज आ जाए कि बिना लीड के? नहीं आएगी। ठीक आ रही आवाज, आप आवाज की आपकी क्लियर आ रही है गुरु भाई। सभी गुरु भाई बहनों को जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। गुरु बहन, मेरी अनुभूति बताना चाह रहा हूं मैं। हाँ बताइए गुरु भाई। गुरु बहन क्या हुआ, 1-1.5 महीने से थोड़ा सा क्या है, मुझे गुरुदेव की कोई अनुभूति नहीं हो रही थी। तो मुझे ऐसा लगता था कि मैं खाली खाली सा हो गया साधना में, पता नहीं गुरुदेव की क्या कृपा है। तो एक दिन क्या हुआ गुरु बहन, मैं जैसे ही ध्यान में बैठा गुरुदेव की कृपा से, तो जहां भी मैं जाऊं जिस जगह पे, वहां पे मुझे गुरुदेव के ही दर्शन हुए और मैं गुरुदेव के पैर छू हर जगह जाके। अच्छा, ध्यान में। फिर गुरु बहन क्या हुआ, गुरुदेव की जिधर मैं मुंह करूं वहीं मुझे गुरुदेव दिखाई दे हर जगह। अच्छा, तो गुरुदेव के पैर छूता रहा, फिर क्या हुआ, गुरुदेव है ना जो आकाश में उड़ने लग गए गुरु बहन। तो जैसे ही गुरुदेव आकाश में उड़े तो मुझे हर जीव मतलब उनकी जो बॉडी है वो हर अलग अलग जीव जंतुओं में कन्वर्ट होती रही, तो सब में गुरुदेव ने दिखाया कि सब में बेटा मैं ही हूं। ऐसे हमारे गुरुदेव गुरु बहन। जी जी गुरु भाई, हमारे गुरुदेव जैसा इस संसार में कोई भी नहीं है गुरु बहन, और हमारे गुरुदेव की सभी गुरु भाई बहनों पर असीम कृपा है। असीम कृपा है। वो कुछ समय के लिए ऐसा लगता है हमें कि हमारी साधना थोड़ा क्या है उतार चढ़ाव रहता है, तो ऐसा लगता है कि शायद हम खाली हो गए, लेकिन खाली नहीं है गुरुदेव, कंटिन्यू हमारे साथ में है। कभी कभी ऐसा लगता है। हाँ जी। तो गुरुदेव हमेशा हमारे हम सभी लोगों के साथ ही हैं, कोई किसी गुरु भाई बहन को चिंता करने की जरूरत नहीं है कि मैं खाली हूं या
सब गुरुदेव हमेशा 2400 घंटा प्रोमनी प्रेजेंट रहते हैं साधक के साथ में गुरु बहन। सही, कभी कभी ऐसा लगता है कि हमारी साधना कमजोर पड़ रही है या मन नहीं लग रहा है, ऐसी चीजें आती हैं साधना में। यही अनुभूति थी गुरु बहन मेरी, सभी गुरु भाई बहनों को जय गुरुदेव। अच्छा चलिए, जय गुरुदेव। मनोरमा जी को भी हम ले लेते हैं, फिर विजय मोहन जी को लेते हैं। मनोरमा जी, गुरु बहन आपका मंच पे स्वागत है। अभी तो बहुत बहुत जय गुरुदेव। जय गुरुबेन, मैं अपने भाई एक एक अनुभूति शेयर कर रही हूँ। तो 2013 की बात है गुरुबेन, उसने मतलब दीक्षा में तो गया हुआ है बट उस ध्यान वगैरह वो कुछ नहीं करता, उसको ये पता है कि मुझे है। 2013 में कोटा से 8-9 बसे गई थी, तो उसमें वो भी गया था, उसकी वाइफ और मेरे ससुर जी, मतलब हम लोग गए थे। तो देखिए कि मतलब जिस बस में बैठे थे ना, वो तो पहुंच गए टाइम पे, जिस समय गुरुदेव देते हैं गुरुदेव को देख लिया, और हम जिस में बस में बैठे थे वो बस हो गया, हम लोग समय से नहीं पहुंच पाए और गुरुदेव जो है मतलब मंच से चले गए थे। अच्छा, प्रोग्राम खत्म हो गया। तो अभी क्या है कि उसने सब देखा, मैंने पूछा उस बुलेटिन देखा गुरुदेव को, तो बोलता है हाँ, बोले आया था एक बूढ़ा सा, दो मतलब एक जनों ने हाथ पकड़ रखा था, दो जनों ने इधर से पकड़ रखा था, मतलब ऐसे ही लिया उसने कुछ भी। फिर उसने वहां के जो ना, तो वो बोल रहा था, बोले नहीं आप चिल्ला रहे थे, पता नहीं क्या क्या हो रहा था। तो उस समय गया था, उसने कभी ध्यान वगैरह कुछ भी नहीं किया। तो अभी जो पिछला गुरुवार है उस दिन उसका फोन आता है मेरे पास। अच्छा। उसके पास क्या है, गाड़ी थी अल्टो, तो वो किसी ने किसी को बेच दी उसने, वो 215,000 में। उसको क्या है, वो पैसे दे नहीं रहा, मतलब जैसे भी है। तो उसने मुझे बताया और बताया, मतलब इसे गुरु, मतलब इसे ये मैसेज है कि गुरु शिष्य को किस तरह से पकड़ता है, मैं ये बताना चाह रही हूँ। वो इटावा गया, तो उसके साथ कोई दोस्त होगा, तो सारे दिन मतलब जो भी है उसका दोस्त ड्रिंक वगैरह करता होगा। जब शाम को घर आने लगा ना, तब वो बोलता है, बोले यार मेरे तो एक उसका दोस्त बोलता है उसको, ज्यादा कि ज्यादा नाम भी नहीं पता, पर कोई था इटावा का ही। तो बोले मेरा दोस्त, मतलब मेरा एक गुरुजी है, मैं तुझे एक मंत्र बताऊंगा। बोले मैं सारे दिन मेरे वो रखवाली करते हैं, मतलब जहां भी जाते हैं वो हमेशा मेरे साथ रहते हैं। लेकिन उसने मतलब बताया नहीं कि उस मंत्र को ना बोल के नहीं बताते। फिर वो मेरा भाई बोलते हैं, अरे यार यार मेरी बहन के कोई गुरुजी जिस मंत्र को बोल के नहीं बताते। तो उसने मतलब ये सोच के रस्ते में, फिर आधे रस्ते मेरे को फोन किया, बोले ना वो तुम्हारे गुरुजी हैं, एक वो ऐसे ऐसे बता रहा था। तो भाई फिर उसने मुझे कार वाली बात बाद में बताई कैसे ऐसे। तो मैंने उसको बोला आज गुरुवार है और एक गुरुदेव, मतलब तू ध्यान कर और इनसे प्रार्थना कर, तेरे पैसे मिल जाएंगे। इस तरह से मैंने उसको बोला। तो मतलब फिर मैंने फोन भी नहीं किया, फिर कल मैंने उसको वापस फोन किया। तो गुरु बहन मतलब कल गुरुवार था वापस फिर से, पर उसको पूरे पैसे तो नहीं मिले, पर 1,00,000 रुपए उसको कल मिल गए, बाकी के पैसे उसको मिल जाएंगे। तो मैंने कहा तुझे गुरुदेव है और तुझे पकड़ रहे हैं, तो गुरुदेव की शरण में। तो उसने ध्यान भी किया और मतलब मंत्र जाप भी किया। अच्छा। और पैसे वो कभी नहीं करता। तो ये मैं बता रही थी। ये देखिए कि गुरुदेव तो उसको ले ही चुके थे, वो तो उन्होंने ध्यान नहीं दिया। हम जैसे ध्यान ही नहीं देते हैं, जनरल लोग हैं उनको समझ ही नहीं आती ये विधा क्या है, क्योंकि बहुत ही हमारे बुद्धि और सबसे परे है ये चीज। लेकिन देखिए उनको शरण में लेना, तो गुरुदेव ने एक झटका दिया और तब वो शरण में आए हैं। जी, और एक अनुभूति और मतलब। हाँ जी। हाँ मतलब जैसे कि मेरी बेटी जो है 2.5 महीने की हो गई है, वो छोटी वाली, तो उसके बाद एक बैक पेन रहता है। क्या रहता है, मतलब रहता है नॉर्मली बैक पेन, मतलब पीछे बैक पेन, नॉर्मल डिलीवरी के बाद नॉर्मली मतलब बैक पेन रहता है। तो जैसे उठते ऐसे तो नहीं, बट फर्श पे बैठने के बाद उठते करते हैं तो दर्द रहता है। ऐसा ख्याल मेरे 4-5 दिन पहले आया। ऐसा है, पता है गुरुदेव दर्द कब तक रहेगा। तो उसके नेक्स्ट डे मुझे इतनी योगी क्रिया मतलब जैसे अपने हाथ जैसे हथौड़ा बन गया हो इस तरह से, पूरा मेरे कमर पे इतनी चोटें लगी, मतलब 15 मिनट में मान लो आप 100 बार मेरे हाथों ने मारा होगा, मतलब
बैक से और था मतलब घुटने तक, और वो जो मतलब वो दर्द जो है चला गया, चला गया। बहुत ही सुंदर, और इसको क्या शब्द ही नहीं है हम लोग के पास कहने के लिए कि यही तो बड़ा ही अद्भुत चीज है हमारे गुरुदेव की वरदान। देखिए, एक हमारे मन में एक क्षण के लिए जो है आता है, एक मन में विचार, वो तुरंत पूरा होता है। यही तो ईश्वर है, यही तो साक्षात ईश्वर है। जी गुरु बहन, बहुत सुंदर। अभी मुझे क्या अनुभूति है, मतलब बहुत हो रही है ध्यान में। वैसे परसों नरसों भी मैंने देखा था कि गुरुदेव है और गुरुदेव के चरण में से धुल रहे ऐसे, मतलब से उनके वो बुजुर्ग वाले जो लास्ट में जो पैर थे दुबले पतले से पानी गिर रहा है, फिर उन पैरों में कई सारे लोग उनके मतलब घुटने से नीचे के चरण ते दिखाई दे रहे हैं, उसमें कई सारे लोग दिखाई दे रहे हैं, इस तरह का मैंने देखा। अच्छा, और ध्यान में कल फिर मैंने और देखा कि मतलब जो आंख होती है वो आंख दिखाई देती है मुझे आज्ञा चक्र, मतलब ऐसा आज्ञा चक्र क्या है, बिल्कुल अंधेरा होता है वो निकलती हुई अपनी तरफ आती है, इस तरह से दिखता है, और उसमें जो ब्लैक वाला हिस्सा है उसमें गुरुदेव थे आंख में, और फिर वो जो प्रकाश है पता नहीं कितने प्रकाश में बदला, मतलब बता नहीं सकते वो अपन बाहर, वो कलर है ही नहीं। और मोर के पंख, उसके बाद फिर दादा गुरुदेव को मैंने मोर के पंख में जो बीच वाला हिस्सा उसमें देखा। अच्छा बड़ी अच्छी थी, सबको अनुभूतियां सुंदर सुंदर होती। बड़ा अच्छा लगता है गुरुदेव, रोज से क्या बताया, कुछ लगता है कि नहीं कोई नहीं बोल रहा, चलो बोलते हैं। नहीं नहीं बहुत अच्छा है, बहुत मंच पे तो बोलना ही चाहिए, कुछ ना कुछ तो देखे सभी के साथ होता है, चाहे वो विचार आ रहे हो, चाहे अनुभूतियां हो रही हो, चाहे ध्यान में कुछ दिख रहा हो या स्वप्न में दिख रहा हो या ना भी कुछ हो रहा हो, तो भी अपने अंदर जो परिवर्तन आया, एक आनंद का परिवर्तन आया, सभी को शेयर करें। ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत बड़ी आपके पास अनुभूति हो तभी मंच पे आ पाए, ऐसा कुछ नहीं। हमारे तो गुरुदेव की सारी अनुभूति बहुत बड़ी है। जय गुरुदेव गुरु। चलिए, विजय मोहन जी भी ने हैंड रेस किया है। गुरु भाई आपका स्वागत है मंच पे। जय गुरुदेव गुरु बहन। जय गुरुदेव गुरु भाई, कोई इशू ना हो तो कैमरा भी ऑन कर ले। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव सभी को, जय गुरुदेव। तो गुरु बहन, मेरे में थोड़ा सा परिवर्तन आया था, उसके बारे में बता रहा था दो दिन से। तो जैसे ही मैं ध्यान में बैठता हूँ ना, तो पहले तो कोई टाइम का पता नहीं लगता था, कभी 20 मिनट, कभी 15 मिनट, कभी 12 मिनट पे। अब दो दिन से सुबह शाम जैसे भी ध्यान लगाता है तो मैं टाइम देख के बैठता हूँ और गुरुदेव से प्रार्थना करता हूँ 15 मिनट का ध्यान लगाओ। ऑटोमेटिक पूरी 15 मिनट होते ही आंखें खुल जाती है अपने आप, और मैं मोबाइल में दो दिन से टाइम देख रहा हूँ तो फिक्स 15 मिनट का बोलते हैं, तो सुबह भी 15 मिनट, शाम को भी 15 मिनट। दो दिन से गुरुदेव की कृपा से ये परिवर्तन आया है, तो ये मैं बताना चाहता था। जय गुरुदेव। गुरु भाई आप कब से जुड़े हैं गुरुदेव के सानिध्य में, कब से आया? एक महीना 3 दिन हुए अभी। अच्छा अच्छा, 10/12/2022 को। अच्छा अच्छा, गंगानगर से हूँ। हाँ, गंगानगर से। अच्छा, आप अभी आपको एक महीना हुआ है, बहुत अच्छा, बहुत ही सुंदर अनुभूति है। गुरुदेव यही तो बताते हैं अपने स्पीच में भी, यही बताते हैं कि दूर बैठा आदमी, अमेरिका में भी बैठी लेडीज जो है वो ध्यान कर रही थी और उसने अपने हस्बैंड को कहा कि मुझे 15 मिनट में जगा देना तुम, और लेकिन वो जब ध्यान में बैठी तो उसकी ऑटोमेटिक 15 मिनट में आग खुल गई, जबकि उसके हस्बैंड 5-6 सेकंड लेट हो गए उसको बताने में, लेकिन वो करेक्ट उसकी आंख खुल गई थी। तो यही तो अद्भुत है गुरुदेव की हमारे, यही तो अद्भुत चीज है। अपने आरजू है दैया, वो भी लगातार 1 हफ्ते के लगभग हो गया है वो कंटिन्यू जुड़ रहे हैं सेशन में, सेशन के हिसाब से ही वो बच्ची कर रही है। अच्छा, नहीं नहीं जरूर जुड़े और जरूर उसको फायदा होगा। देव की बस मंत्र को सघन करती रहे, जो गुरुदेव ने हमें 2 ड्यूटीज दी हैं, तो वो जरूर को तो पकड़े रहे बिल्कुल, तो ऐसा कुछ किसी में परिवर्तन ना आया, वो ठीक ना हो।
जय गुरुदेव, जय गुरु बहन, जय गुरु। कैमरा अगर ऑन कर सकते हो तो कर लीजिए प्लीज। जी वो तो नहीं, मैं आज गुरु बहन मेरी आवाज आ रही आपको? हाँ थोड़ी सी ब्रेक हो रही है गुरु बहन आपकी आवाज। जी अभी आ रही है आपको मेरी आवाज? हाँ आ रही है। थोड़ा सा परिचय दे, आप कहाँ से जुड़ते हैं? मैं अजमेर से हूँ। अच्छा, और कब गुरुदेव के सानिध्य में आए, शरण में आए? मेरे को 2 महीने हो गए मुझे आए हुए। अच्छा अच्छा, कैसे आप कैसे तो जुड़े? मैं मेरे कोई मतलब कि जीजा है उनके माध्यम से जुड़ी थी। अच्छा अच्छा, तो मैं आज अपनी अनुभूति जो मेरे साथ हुआ है मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। जरूर से। आज क्या हुआ कि जैसे मैं दिन के टाइम के ऐसे आंखें बंद करके 1 घंटे से मतलब कंटिन्यू कर रही थी, मंत्र जाप कर रही थी, तो एकदम से जैसे मैंने आंखें बंद करी ना तो मतलब मुझे ब्लू कलर का प्रकाश दिखाई दिया। फिर थोड़ी देर में मैंने आंखें खोली, आंखें खोलने के बाद भी मुझे वो प्रकाश कंटिन्यू दिख रहा था, मतलब 1 मिनट तक वो प्रकाश मेरे को दिखा था, ये देख लो आप। तो मतलब ऐसे आंखें खोलने के बाद प्रकाश का दिखना कोई छोटी बात नहीं होती है, कैसे भी दिख रहा है मेरे को ऐसे। बहुत अद्भुत है। तो बंद आंखों से तो दिखता ही है पर खुली आंखों से दिखना मतलब मेरे लिए तो बहुत ही ज्यादा खुशी की बात हो गई कि ये क्या दिख गया मुझे। जी बहुत खुशी होती है, बहुत आनंद आता है, बहुत ज्यादा है। जी और मेरा एक क्वेश्चन ये भी था, मतलब जैसे अपनी थर्ड आई खुलती है तो यहाँ से मतलब मेरे को पता कैसे चलेगा कि मेरी तीसरी आंख खुल चुकी है? चलिए ये प्रश्न हम अपने मंच पे रखते हैं कि गुरु बहन मंच में प्रश्न जी क्या सा रखा है कि थर्ड आई खुलती है तो कैसे पता चलता है। अगर गुरु भाई बहन जो भी जुड़े हुए हैं इस मंच पे तो जो गुरु बहन ने जिज्ञासा रखी है इस पे कुछ बोलना चाहें तो जरूर उनका स्वागत है मंच पे। जय गुरुदेव। गुरु बहन, ये गुरु बहन जो खुली आंखों से जो प्रकाश देख रही है, इससे पहले क्या कभी उन्होंने प्रकाश देखा क्या, बंद आंखों से या खुली आंखों से? जी मैंने ध्यान के दौरान देखा था, मतलब मैंने उद्दीपक वाला प्रकाश देखा था, ये ब्लू कलर वाला नहीं देखा था। जी तो मतलब आपको ये दिव्य प्रकाश दिख रहा है, इसमें से आपको इससे पहले कभी नहीं दिखा, ये खुल चुकी है, मतलब सीधी सिंपल भाषा में कहे तो, क्योंकि मुझे प्रकाश बहुत दिखता है जब मैं ध्यान नहीं करती थी ना, मुझे मतलब दर्शन से मैं जुड़ी हुई थी, लेकिन मैं जैसे कुछ बुक्स भी पढ़ रही हूँ थोड़ी देर आंखें बंद कर लूँ तो मुझे ऐसे प्रकाश दिखते थे लेकिन मैं समझ नहीं पाती थी, यानी कुछ ऐसा ही होगा। मतलब ये क्वेश्चन मेरे माइंड में कल आया था कि मतलब क्या होता है, कैसे मतलब पता चले, और आज ही मेरे को ये प्रकाश दिखाई दिया। मैंने गुरुदेव को बोला था, गुरुदेव मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मतलब मुझे पता कैसे चलेगा कि मतलब ये हो रहा है मेरे साथ, तो फिर मेरे साथ ये हुआ तो फिर मैंने ये क्वेश्चन रखा। और गुरुदेव के अनुसार तो पहले दिन ही खुल जाती, जिस दिन अपन ध्यान करते हैं और मंत्र सुनते हैं उसी दिन अपनी मतलब थर्ड आई भी खुल जाती है, मातृ शक्ति कुंडली जागृत हो जाती है। और ये जो प्रकाश दिखना है ये आपके लिए प्रमाण है अपने आप में कि आपको प्रकाश दिख रहा है, जिसको नहीं दिखे उसके लिए भी है बट आपके लिए तो है स्पेशली। जी गुरु बहन। जी देव, कितनी अद्भुत कृपा है हमारे गुरुदेव की कि हमारे मन में कुछ भी विचार या प्रश्न आते हैं उनका आंसर तुरंत गुरुदेव कह दे देते हैं अपने साधकों को। जी गुरु बहन ये तो है। और सभी के अंदर है गुरुदेव और सभी की कुंडलिनी शक्ति भी जागृत है और आज्ञा चक्र भी खुल चुका है, तो इसलिए हमें कुछ सोचना नहीं है बहुत ज्यादा, इस तरफ हमें बहुत ज्यादा ध्यान भी नहीं लगाना, हमें तो अपने गुरुदेव के प्रति प्रेम करना है और श्रद्धा उनके प्रति समर्पित करनी है, वो जो कर रहे हैं सब अच्छा कर रहे हैं। जी जय गुरुदेव। हाँ, हम लोग उनकी शरण में आ गए हैं, यही बहुत बड़ा अहोभाग्य है हमारा जो उन्होंने हमें अपना शिष्य बनाया है, सबसे बड़ा अहोभाग्य हमारा सौभाग्य यही है। अब बाकी का जो भी कार्य है वो गुरुदेव खुद संभाले, हमें तो केवल मंत्र सघन करना है और ध्यान करना है और वो भी गुरुदेव करा ही लेते हैं। और भी गुरु बहन बताइए कुछ अनुभूति आपकी।
जी अभी मैं टाइम पहले मेरे साथ ये हुआ था कि अभी मैंने अपनी अनुभूति शेयर कर की थी, उस टाइम मैं भूल गई थी बताना, मुझे याद रहा कि मतलब मैं बीकानेर में हूँ और वहाँ पे मतलब एक मतलब बहुत ही बूढ़े से मतलब थे मेरे साथ, बहुत ही ज्यादा उम्र हो चुकी थी उनकी और वो ना मतलब लाठी के बिना चल नहीं पा रहे थे। तो वो क्या वो भी मतलब मेरे जैसे गुरुदेव की फोटो देख रहे थे मतलब कि ना, और वहां पे मैंने देखा था कि वो भी मेरे साथ जा रहे हैं और ना गुरुदेव की फोटो ढूंढ रहे हैं, और वहां पे दादा गुरुदेव की बहुत सारी फोटो थी, बहुत बड़ी बड़ी फोटो मतलब ऐसी फोटो थी कि ना उनको देखते ही रह जाए मतलब। तो ये सपना मुझे आया था, फिर मैं याद नहीं रहता मुझे, फिर धीरे धीरे याद आता है कि मुझे ये सपना आया था। तो उस टाइम में बताना भूल गई थी कि दादा गुरुदेव और गुरुदेव की वो फोटो वाला सपना मुझे आया था, बस यही। आप बताइए जी, जब सपने में हमें गुरुदेव दिखाई देते हैं या हम कुछ मंत्र करते हुए नजर आते हैं, सपने में भी जब गुरुदेव गुरुदेव करते हैं तो बहुत ही आनंद आता है। बहुत आनंद आता है। जी मेरे साथ भी ये हो रहा है कल से, मतलब कि जब सपने में भी जैसे मैं उठी हूँ ना, जैसे उठ गई मेरी आँख खुल गई, तो भी मेरे मतलब मेरा मंत्र जब चलता रहता है, अगर ये नहीं चल रहा है तो मैं गुरुदेव का नाम तो लेती ही रहूँ, बस यही लगता है मेरे को कि हाँ मैं गुरुदेव का नाम ले रही हूँ, और फिर वापस गुरुदेव का नाम लेते लेते ही सो जाती हूँ। जी, मंत्र चल रहा है दिन आप। से तो कंटिन्यू मेरे, हाँ कंटिन्यू चल रहा है 2 दिन से तो। हाँ, तो बस आपकी वो अजपा वाली कंडीशन आ गई है जी। जी बस यही तो हमें अपने अपने जो है हमकी ड्यूटी करनी, हमें जो गुरुदेव ने कहा है कि मंत्र को जरूर कर लें पूरा, जो सघन मंत्र जाप, इसी को गुरुदेव बोलते हैं, ये बहुत जरूरी है हम सभी के लिए। चलिए गुरु बहन, आप जी लोग, जी गुरुदेव, हाँ जय गुरुदेव। बहुत ही अच्छा लगा, आनंद आया सभी को सुन के, और जब हम किसी के अनुभव अनुभूतियों को सुनते हैं, अपने गुरुदेव की कृपा को सुनते हैं, तो बहुत ही आनंद आता है, बहुत ही अच्छा लगता है। चाहे वो ध्यान में हो, चाहे स्वप्न में हो, वो आनंद का क्षण ही अलग होता है। चलिए, और भी गुरु भाई बहन कुछ अपना मंच पे रखना चाहते हैं, अनुभव जिज्ञासा, कोई प्रश्न चल रहा हो मन में ऐसा साधना को लेके, तो जरूर से रखें मंच पे। सेशन का समय तो हो ही गया है, लेकिन अगर कुछ कहना चाह रहा है, मन में आ रहा है विचार, तो जरूर से रखें मंच पे। चलिए, आज सभी लोगों ने इतनी अनुभूति अनुभवों को सुन के आनंद लिया, सभी गुरु भाई बहनों में मंच का संचार समय भी हो चुका है हमारे सत्संग का। हिंगू जी गुरु भाई मंच पे हैं, तो आए और गुरुदेव के श्री चरणों में समर्पित करें। विजय कुमार जी ने भी हैंड रेज किया है। जय गुरुदेव गुरु भाई जय गुरुदेव गुरु बहन जय जी। गुरु गुरु को। भाई 5 5 मिनट अभी हम जरा सा गुरु भाई को ले लेते हैं जी। गुरु बहन, वैसे तो मैं मतलब 4 5 दिन पहले मैंने सेशन ज्वाइन किया था, तो मैंने अपने बारे में बताया था कि मैं मतलब कहाँ से हूँ, कैसे जुड़ा हूँ मैं सेशन से। तो बस आज मैं सिर्फ एक बताना चाहता हूँ, एक बात कि जब मैं गुरुदेव से जुड़ा, मेरे को गुरुदेव के बारे में पता चला, तो मेरे को गुरु भाई ने गुरुदेव का और दादा गुरुदेव का फोटो भेजा। तो
मैंने फोटो देखा गुरुदेव का, तो गुरुदेव ने मतलब कुर्ता और धोती पहन रखी, तो मैंने कहा कि ये ऐसे, मैंने कहा गुरुदेव तो नहीं होते, मैंने कहा गुरुदेव तो मतलब ऐसे कपड़े भगवा कपड़ों में या मतलब किसी और तरह के कपड़ों में रहते हैं, मैंने कहा तो मैंने कहा ये तो मतलब नहीं लग रहे, मैंने कहा। तो दादा गुरुदेव की फोटो देखी तो उनका मतलब देख के मेरे को लगा मैंने ये है, मैंने कहा गुरुदेव। तो दादा गुरुदेव का नाम डाला गूगल पे, गूगल पे डाला तो गूगल पे मतलब सारा आ गया गुरु दादा गुरुदेव के बारे में कि जामसर में है मंदिर बना हुआ गुरुदेव के नाम से और कैसे मतलब ट्रेन रोकी थी उन्होंने। तो दादा गुरुदेव से जुड़ने का मन करा कि मेरे को तो मतलब दादा गुरुदेव के गुरु बनाना है। तो और अभी भी मतलब मेरे को ये होता है कि जब भी मेरे को कुछ होता है तो मैं दादा गुरुदेव की वो ट्रेन वाली मतलब पढ़ता हूँ मैं स्टोरी, वो मतलब 5-6 महीने में 3-4 बार पढ़ लेता हूँ। तो कि उन्होंने कैसे मतलब ट्रेन से उतार दिया था टीटी ने उनको, फिर उन्होंने अपना चिलम जलाया और ट्रेन आगे नहीं बढ़ी, मतलब इस तरह से वो मतलब रहता था। तो एक दिन ध्यान में बैठा हुआ था, तो ध्यान में बैठे बैठे एक अंदर से आवाज आई कि मैं जैसे ध्यान कर रहा हूँ तो अपने अज्ञा चक्कर में गुरुदेव को देखने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो ध्यान भटकता है तो फिर भी मैं मतलब गुरुदेव की या दादा गुरुदेव की फोटो कोशिश करता हूँ यहाँ पे अज्ञा चक्कर पे। तो पहुंचते पहुंचते अज्ञा चक्कर पे दादा गुरुदेव की समाधि आ गई, यहाँ पे समाधि बनी हुई है वो आ गई। तो उसके बाद मेरे अंदर से आवाज आई है कि तू जिसका ध्यान कर रहा है ना वो पूरे ब्रह्मांड का मालिक है। तो उसके बाद फिर मेरा विश्वास बहुत पक्का हो गया कि नहीं मतलब मेरे गुरुदेव कुछ हैं, ऐसे नहीं है। उसके बाद कंटिन्यू मैं गुरुदेव से मतलब जुड़ा हूँ और अब मतलब कोई शिकायत नहीं है गुरुदेव से। जी, दादा गुरुदेव ने तो अपनी भी पूरी जो उनकी शक्ति है, ऊर्जा है, सब गुरुदेव को ही ट्रांसफर कर दी और जी, अब जी। तो सब कुछ दादा गुरुदेव में ही, हमारे दादा गुरुदेव भी समाहित हो चुके हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो सब कुछ वही है उसके अंदर। हाँ, सब यही मेरी अनुभूति थी जो मैं आपको बताना चाहता था। नहीं, अच्छा किया गुरु भाई आपने, जो संशय आते हैं, इस तरह के विचार हमारे मस्तिष्क में आते हैं तो उनको शेयर करना ही बहुत जरूरी होता है, क्योंकि बहुत से गुरु भाई बहनों के अंदर ऐसे विचार चलते होंगे। तो हाँ, एक से इससे सभी को एक उत्तर मिला, एक आंसर भी मिल गया कि गुरुदेव ने देखिए आपको आंसर भी दे दिया, दादा गुरुदेव ने आपको आंसर दे दिया कि कहाँ तुम्हें झुकना है, कहाँ तुम्हें जाना है। जी जी जी, चलिए बहुत अच्छा आपने गुरु भाई। जय गुरु, वास्तव में दादा गुरुदेव, गुरुदेव एक ही परम सत्ता का विराट रूप है और कुछ है ही नहीं, दोनों एक ही। दादा गुरुदेव ने सारी सत्ता गुरुदेव को दे दिया, परम सत्ता, सारी सत्ता। जी जी जी, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव सभी को, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव सभी को, गुरुदेव की दिव्य चेतना सभी में सिद्ध हो, जगत व्यापी हो और जगत के कल्याण के लिए हो। जय गुरुदेव सभी को, बहुत बहुत जय गुरुदेव, बड़ो कल के अवतार।